हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना मेरे भाई। आज की वीडियो का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है ना, कि लिटरली हमें पता चल गया कि आप लोग अपने वेपन ग्लोरी का स्टेट कैसे चेंज कर सकते हो विदाउट VPN। एंड गाइज, आज की वीडियो को एंड तक वॉच करना, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोग के लिए बहुत ज्यादा सरप्राइज है। आप लोग कैसे अपना चैनल इस चैनल के थ्रू प्रमोट करवा सकते हो बिल्कुल ही फ्री। एंड आप लोग की रैंक पुश मैं करवाने वाला हूँ भाई। जितने बंदे अपनी UID दोगे ना, उतने बंदों का मैं ग्रैंड मास्टर पुश कराने वाला हूँ। वो 1000 बंदे हों, 10000 बंदे हों, सबका मैं रैंक पुश कराने वाला हूँ। कैसे, क्यों, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, तो इसीलिए बोल रहा हूँ एंड तक देख लेना। एंड साथ में वेपन ग्लोरी का एक ग्लिच मेरे को पता चल गया है, वो भी मैं आप लोग को इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो का मेन टाइटल होने वाला है वेपन ग्लोरी का। एंड भाई, वेपन ग्लोरी का एक ग्लिच हमको मिला है, जिसको यूज़ करके आप लोग वेपन ग्लोरी का टाइटल ईजिली ले सकते हो। एंड उसी ग्लिच को यूज़ करके मैं अपने स्टेट का, इंडिया कंट्री का, अपनी कंट्री का मैं AWM का बैच आपको लेकर के दिखाने वाला हूँ। एंड सबसे पहले तुम लोग ये वाला क्लिप देखो, आपको यहाँ पर बहुत सारे स्क्रीनशॉट शो हो रहे होंगे। एंड काफी सारे बंदों को समझ नहीं आ रहा होगा ये स्क्रीनशॉट क्या है। तो भाई, ये स्क्रीनशॉट उन बंदों के लिए जो कमेंट में कहते कि भाई तू हमारे साथ नहीं खेलता, तू अपने सब्सक्राइबर को रिक्वेस्ट नहीं भेजता। यहाँ पर देख लो, इस सब्सक्राइबर ने कुछ ही मिनट पहले कमेंट किया था एंड इसको मैंने गेम में रिक्वेस्ट भेज दिया, क्योंकि अभी मैं फ्री था। जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं रिक्वेस्ट जरूर से भेज लेता हूँ। एंड ये टेस्टी ब्लड, आप लोग इसको जानते होंगे भाई, हर कमेंट में, हर वीडियो में अपना नेम कमेंट करता है। इस बंदे के साथ लिटरली मैंने बैक टू बैक दो मैच बोया करें एंड इसके साथ मैंने काफ़ी सारे मैचेस रैंक खेले हैं। एंड ये बॉस आकाश, इसको तो आप लोग जानते होंगे, ये बंदा तो हर वीडियो में कमेंट करता है, यहाँ तक कि मेरे सेकंड चैनल पर भी जाता है, वहाँ पर भी वीडियोज देखता है। इस बंदे की विश थी कि मैं इसके साथ एक 1v1 का कस्टम खेलूँ, इसके साथ भी मैंने कस्टम खेला एंड इसके साथ भी लिटरली मैंने बहुत ज़्यादा रैंक गेम खेले। तुम चाहे तो उसको रिक्वेस्ट भेज के पूछ सकते हो। एंड गाइज, यू कांट बिलीव, आज जो मैं आप लोग को वेपन ग्लोरी का ग्लिच बताने वाला हूँ, उसमें अगर तुम लोग वेपन से किल भी नहीं करते हो ना, तो भी तुम लोग को वेपन ग्लोरी के पॉइंट्स मिलेंगे। यू कांट बिलीव कि भाई वेपन ग्लोरी के पॉइंट हमको किल करने पे मिलते हैं। एंड अगर आप लोग उस वेपन से किल नहीं करते हो ना, तब भी आप लोग को पॉइंट मिलने वाले हैं। एंड सबसे पहले तुम लोग ये वेपन देखो, राइफल में G36, इसका तुम लोग हमारे स्टेट का कंप्लीट पॉइंट देखो, 2929। पहले जो मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ वो ध्यान से देख लो, उसके बाद मैं तुम लोग को ग्लिच बताऊंगा। पहले तुम लोग अच्छे से देख लो, मशीन गन में M249 का पॉइंट देखो, लास्ट वाले प्लेयर का पॉइंट देखो, स्टार्टिंग वाले पॉइंट मत देखो, यहाँ पर लास्ट वाले प्लेयर का देखो, 3512। एंड अभी हम लोग स्नाइपर में बात कर लेते हैं। भाई पहले ये बताओ, आज के टाइम पे Kar98Z कौन यूज नहीं कर सकता? नूबड़ा प्लेयर भी यूज कर सकता है, जो बॉट होता है वो भी। यहाँ पर Kar98Z का तुम लोग अभी पॉइंट देखो, 4419 पॉइंट है, सिर्फ 4419 पॉइंट, गाइस समझ रहे हो। एंड एक बार ये वाली स्नाइपर का पॉइंट देखो, M24 का सिर्फ 2044 है, सिर्फ 2044। एंड इस स्नाइपर से अगर तुम लोग एक हेडशॉट मारते हो ना, तो तुम लोग को 100 पॉइंट सिर्फ एक किल पर मिल जाएंगे। सच्ची बोल रहा हूँ, एक बार ट्राई कर लेना। एंड अभी मैं तुम लोग को पिस्टल में दिखाता हूँ, सबसे कम रहने वाला है मिनी यूजी का, 2187 इसके पॉइंट है। बट तुम लोग अभी SMG में देखो, सब मशीन गन में सबसे कम रहने वाला है हमारी P90 वेपन का, 4962 देख रहे हो। एंड वेक्टर का देखोगे ना भाई, वेक्टर आज के टाइम पे डबल वेक्टर हर बंदा यूज कर सकता है, बॉट भी यूज कर सकता है, तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो यार, और कर सकते हो तो क्यों नहीं करते हो। यहाँ पर देखो 1685 सबसे कम पॉइंट रहने वाले हैं हमारी वेक्टर के, सबसे कम, ठीक है। अभी हम लोग शॉटगन में बात करते हैं, सबसे कम है चार्ज बस्टर की ग्लिच, इसी में है। अगर तुम लोग वीडियो को स्किप करोगे, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, चार्ज बस्टर के पॉइंट तुम लोगों ने देखे कितने कम है। एंड दूसरी वेपन शॉटगन में रहने वाली है ड्रैगन, इसके पॉइंट देखो 2846। एंड अब मैं तुम लोग को ग्लिच बताता हूँ भाई। सबसे पहले तो ये बताओ, तुम लोग 100-200 किल कर सकते हो या नहीं? अगर तुम लोग 100 किल भी नहीं कर सकते हो, तो भाई तुम लोग की ये वीडियो बिल्कुल काम का नहीं होने वाला है। अभी तुम लोग बोलोगे भाई किल तो कर सकते हैं, लेकिन हमको वो वेपन नहीं मिलता जिसका हमको वेपन ग्लोरी का टाइटल चाहिए। तो भाई कोई एक ऐसा वेपन सेलेक्ट करो जिसका तुम लोग वेपन ग्लोरी टाइटल ले सकते हो, उसको तुम काफ़ी अच्छे से यूज़ करते हो एंड वो तुम्हें काफ़ी ईजिली मिल जाए। मेरा सजेशन है वुडपैकर AC-80, UMP, M1887 और शॉटगन, इनको छोड़ के किसी और गन का टाइटल लो, क्योंकि वेपन ग्लोरी जब गेम में इंट्रोड्यूस हुआ था
तो इस वेपन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था उस टाइम पे। जो बंदा इन वेपन ग्लोरी की वेपन्स को यूज़ करता था उसको इनका कंट्री तक का टाइटल मिल गया। एंड कंट्री का टाइटल अभी लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग एक वीक में ले सकते हो, लेकिन स्टेट का बैच आप लोग सिर्फ 6 या 10 घंटे में ले सकते हो। उस टाइम पे जो नूबड़े प्लेयर भी UMP चलाते थे उन लोग को ये टाइटल ईजिली मिल गया, लेकिन अभी के टाइम पे इस पे जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज़्यादा रहने वाला है। 60-70 हज़ार तक UMP MP40 का जो वेपन ग्लोरी के पॉइंट है वो पहुंच गए हैं। तो मेरा सजेशन है कोई एक ऐसी वेपन सेलेक्ट करो जो ईजिली ना मिलती हो एंड जिसका तुम लोग वेपन ग्लोरी का पॉइंट कंप्लीट कर सकते हो। अभी जिस ग्लिच की मैं बात करने वाला हूँ उसको तुम लोग ध्यान से सुनना। एंड इस वीक मैं तुम लोग को चैलेंज दे रहा हूँ कि भाई अगर तुम लोग सच में एक प्लेयर हो, तुम लोग 100-200 किल कर सकते हो एंड तुम लोग को सच में वेपन ग्लोरी का टाइटल चाहिए, तो भाई मैं तुम्हारे साथ इस चैलेंज को कंप्लीट करने वाला हूँ, तुम लोग की हेल्प करने वाला हूँ। इस बार मैं तुम लोग को चैलेंज दे रहा हूँ, नेक्स्ट जो मंडे आएगा उसमें मैं तुम लोग को स्टेट का बैच लेकर के दिखाऊंगा एंड उससे जो नेक्स्ट मंडे होगा ना उसमें मैं तुमको कंट्री का बैच लेकर के दिखाऊंगा। अब तुम लोग बोलोगे भाई तुम खुद तो 2 वीक ले रहे हो एंड हमें बोल रहे हो कि स्टेट का बैच तुम्हें 6 घंटे में मिल जाएगा, तो वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई तुम लोग को पता होगा अगर मैं कंप्लीट एक दिन में कर भी लूंगा ना तो भी मेरे को नेक्स्ट मंडे ही हमारा बैच मिलेगा, तो मैं तुमको नेक्स्ट मंडे अपना बैच लेकर के दिखा दूंगा। एंड ग्लिच बताता हूँ, लेकिन उससे पहले यार मैंने बहुत से बंदे देखे भाई कमेंट करते हैं कि भाई गिल्ड में ले लो, तो भाई गिल्ड में लेना क्या है, तुम लोग ज्वाइन रिक्वेस्ट डालो, कमेंट मत करो कि भाई गिल्ड में ले लो। ये देखो गिल्ड का एक रिक्वायरमेंट है, तुम लोग का 60 लेवल होना चाहिए एंड यहाँ पर तुम लोग एक दिन भी ऑफलाइन नहीं रहने चाहिए। यहाँ पर एक दिन ऑफलाइन इक्वल्स टू किक, यहाँ पर देखो हमने कस्टम भी अभी क्लेम नहीं किया है क्योंकि मेरे को ग्लिच वीडियो बनाना है एक गिल्ड के ऊपर। ये रहा मेरा गिल्ड आईडी, जिसको गिल्ड में आना है सीधा ज्वाइन रिक्वेस्ट डाल दो, तुम लोग ज्वाइन रिक्वेस्ट डालते हो एंड आधा घंटे में दूसरी गिल्ड ज्वाइन कर लेते हो। भाई थोड़ा वेट क्या करो, मैं 24 घंटे गेम में एक्टिव नहीं रहता हूँ एंड मेरी गिल्ड में कोई भी ऑफिसर नहीं है, तो तुम लोग का रिक्वेस्ट लेने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ ग्लिच के बारे में कि भाई ग्लिच क्या है वेपन ग्लोरी का। देखो ग्लिच कुछ नहीं है, सिंपल ग्लिच है भाई। कल मैंने देखा कि मैंने ना AWM सिर्फ परचेज किया था वेंडिंग मशीन से जो ऊपर से गिरता है, ठीक है, उससे मैंने लिया एंड मैंने 1-2 गोली फायर किया लेकिन किसी प्लेयर को डैमेज नहीं आया। बट जब मैंने बैक किया तो मेरे को AWM के 64 पॉइंट मिले। तो भाई साफ साफ कहना है कि अभी किनी किनी वेपन में चल रहा है ग्लिच। अगर तुम लोग चाहोगे तो मैं प्रूफ दे दूंगा, 20 मिनट का वीडियो पूरा है गेम प्ले का एंड उसके बाद मैंने जब बैक किया तो तब भी मैंने AWM के पॉइंट दिखाए हैं। बट अगर तुमको पूरा वीडियो देखना है तो मैं तुमको दिखा दूंगा प्रूफ के लिए कि भाई 20 मिनट के गेम प्ले में मैंने AWM से फायर तक नहीं किया लेकिन मेरे को AWM के पॉइंट मिले हैं। और स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें 10 ऐसी गन दिखा दी है जिनको तुम यूज कर सकते हो। ऐसी गने नहीं दिखाई है SMG में, MP40, UMP, Woodpecker, AC-80, जिनका टाइटल, जिनका मतलब टाइटल लेना इम्पॉसिबल है। ऐसी वेपन दिखाई है जिनका बहुत कम पॉइंट रहने वाले हैं। ऐसी 10 वेपन दिखाई है सब में, मशीन गन में जितनी वेराइटीज होती है, जितने इनके लेवल्स होते हैं, एंड ऐसी वेपन दिखाई है जिनको तुम लोग यूज कर सकते हो। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लोग उसका बैच ले पाते हो या नहीं, बट मैं तो अपना चैलेंज कंप्लीट करने वाला हूँ, तुम लोग का AWM का बैच ले करके दिखाऊंगा एंड भाई सिर्फ 100 किल करोगे तो तुम लोग के 2000 पॉइंट हो जाते हैं, बिकॉज 1 kill = 20 points एंड 1 headshot = 50 points एंड अगर स्नाइपर से मारते हो तो सीधा 100 points। अगर स्नाइपर का कंप्लीट करोगे तो भाई 20-30 किल में ही तुम लोग को मिल जाएगा स्नाइपर का टाइटल। तो तुम लोग इस ग्लिच को ट्राई कर सकते हो, हेडशॉट मारो स्नाइपर से और तुम लोग को वेपन ग्लोरी का टाइटल नेक्स्ट वीक इजीली मिल जाएगा। और अब बात कर लेते हैं वेपन ग्लोरी का स्टेट कैसे चेंज करना है विदाउट VPN। देखो तुम्हारे पास कोई भी ऐसा प्लेयर हो जो तुम्हें स्टेट चाहिए तो उससे अपनी ID लॉगिन करवा लो। मतलब मैं उत्तराखंड से हूं लेकिन मेरा दिल्ली स्टेट हो रखा है, लेकिन मेरी फ्रेंड लिस्ट में बहुत से ऐसे बंदे हैं जिनका उत्तराखंड स्टेट सेलेक्ट है, तो अगर वो लोग मेरे मंडे को ID 4 बजे सुबह ओपन करेंगे तो मेरा स्टेट उत्तराखंड हो जाएगा। मतलब देखो संडे को ये रीसेट हो जाता है एंड मंडे को नया वेपन ग्लोरी स्टार्ट हो जाता है, तो तुम लोग को संडे की रात को अपने फ्रेंड के फ़ोन में अपना ID लॉगिन करा लेना है एंड मंडे को तुम जब सुबह 5 बजे के बाद अपना ID लॉगिन करोगे तो तुम लोग का स्टेट ऑलरेडी तुम्हें जो स्टेट चाहिए वो हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि मैं कैसे आपका मेन चैनल से प्रमोशन करूंगा एंड कैसे मैं तुम सब लोग की एक साथ रैंक पुश कराने वाला हूं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि भाई मेरा जो सेकंड चैनल है उस पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो मैं करने वाला हूं लाइव में मैं जोन सर्वाइव करूंगा, एंड जोन तक मैं सर्वाइव करके तुम लोग को रिवाइव करूंगा। तुम लोग जितनी बार मरोगे उतनी बार रिवाइव करूंगा एंड 3-4 घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा जिसमें तुम लोग आके 1000 बार मरो 1000 बार रिवाइव करूंगा एंड तुम लोग का KD इंक्रीज होगा। तुम लोग को अनलिमिटेड टाइम रिवाइव करूंगा लेकिन लाइव करने के लिए हमें 1000 सब्सक्राइबर चाहिए एंड इस चैनल पर मैं लाइव नहीं कर सकता क्योंकि व्यूज़ नहीं आते हैं, तो इसीलिए कह रहा हूँ उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ जाके 1000
सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे हम उस चैनल पर लाइव आ जाएंगे। एंड एक बंदे के ऊपर मैंने रिप्लाई वीडियो बनाया जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज उस पर भी जाके सपोर्ट दिखा देना, क्योंकि एक चैनल है गेमिंग विद आभास करके, उस बंदे को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जो कि मैंने रिप्लाई के द्वारा क्लियर कर दी है।